क्या स्थिति है अभी शहर की? शहर की स्थिति ये है, बस गाड़ियाँ दौड़ रही है और हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। अच्छा, जैसे जैसे सीजन चालू हुआ था जी, बरसातें चालू हो गई, स्कूल की छुट्टियाँ खत्म हो गई। हाँ, अब सीजन ऑफ, अब जब बर्फ़ पड़ेगी तभी थोड़ा बहुत होगा चालू। ठीक है, तो फिर कैसे आजकल मतलब कैसे चल रहा है गुजर बसर? बस सुबह आ रहे हैं स्टैंड, दोपहर तक यहाँ फिर सीधे घर। जी जी, बिल्कुल, चलिए ठीक है। देखिए उधर आप बाकी नज़ारा देख सकते हैं, उधर ये देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ की स्थितियाँ। भाई साहब से हम मिले थे घोटिया पड़ाव पे और यहाँ आपको नज़ारा दिखा रहे हैं गाड़ियों का, और ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं लाइन पे, ये आप देख सकते हैं। और ये भाई साहब हमारे हैं, इनसे रूबरू कराना ज़रूरी था आपको। यकीनन बहुत ज़रूरी था इनसे मिलना, काफ़ी मुस्कुराते रहते हैं ये, और जीवन में काम नहीं है लेकिन फिर भी इतनी खुशी है चेहरे पर, अच्छा लगा देख के। बनते रहिए, देखते रहिए सती ट्रैवल्स को, फॉलो कीजिए। गुड मॉर्निंग, सती ट्रैवल्स हियर फ्रॉम नैनीताल, आपका स्वागत करता है मेरे यूट्यूब चैनल सती ट्रैवल्स में। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? दोस्तों मैं आज हूँ नैनीताल, और नैनीताल से मेरा ट्रिप शुरू होता है हल्द्वानी के लिए। मैं आज नैनीताल की सारी गतिविधियों से आपको रूबरू कराने वाला हूँ। सुबह के 5:45 हो रहा है, मैं निकल चुका हूँ अपनी ड्यूटी की तरफ को, और आप देखते रहिए, बने रहिए सती ट्रैवल्स के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आजकल नैनीताल का नज़ारा देख सकते हैं आप, सुबह के 5:45 हो रहा है, और लगातार तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ नैनीताल का मौसम। देखिए कैसा मौसम है, कैसी गतिविधियाँ हैं यहाँ की, ये देखिए आप, 5:45 का मौसम है ये, और 5:45 पे यहाँ पे कैसा मौसम हो रहा है, आसमान इस तरीके से दिख रहा है कुछ, है ना, और सड़कें ये हो गई हैं, काई जम गई है सड़कों में बारिश के पानी से। तो फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ शनिदेव मंदिर पे, और ये जो मंदिर है इसके बराबर में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है जो कि काफ़ी साल पुराना है, यानी मान्यताओं के अनुसार देखा जाता है कि ये 600 साल पुराना पेड़ है, और इसके नीचे शनिदेव का मंदिर है, और जय शनिदेव, ओम सम शनिश्चराय नमः। हम पहुंच चुके हैं दोस्तों फिलहाल सिपाही धारा नैनीताल, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम से बना हुआ सिपाही धारा है। ये जब भी कभी आप नैनीताल आते हैं तो सिपाही धारा को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ये जो है जेल के बिल्कुल पास में पड़ता है, तो कभी आपका अगर जेल पे आना होगा तभी आप इसको देख पाएंगे। ये मंदिर है हमारा शिव जी का, भगवान शिव का मंदिर है, बाकी आप नेचर ब्यूटी देख सकते हैं। फिलहाल कद्दू की बेल है, और आजकल फसल भी होने लग गई है, हल्का फुल्का साग सब्जी भी होने लग गई है। दोस्तों ग्रीनरी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि बारिश का मौसम होने के साथ साथ कितना खूबसूरत नज़ारा हो जाता है पूरे एरिया का, और इस मौसम में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। आप कभी भी आएँ तो बरसात के मौसम में घूमने की कोशिश करें, काफ़ी मज़ा आपको आने वाला है। बाकी आप फिलहाल देख सकते हैं मैं लगातार रन कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से हल्द्वानी की तरफ निकलना है, तो मैं कैंची धाम के दर्शन करूँगा बाबा के, और बाबा के दर्शन करने के बाद मैं हल्द्वानी निकल जाऊंगा, क्योंकि आज का मेरा ट्रिप थोड़ा लंबा होने वाला है, बिकॉज मुझे डायरेक्टली तो हल्द्वानी नहीं जाना है, फिलहाल बाबा के दर्शन करने के लिए कैंची धाम निकलना होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए सती ट्रैवल्स को। अगर आपने फॉलो नहीं किया मेरा चैनल तो आप ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने घर से मेन रोड पर, और ये नैनीताल की रोड है जो हल्द्वानी नैनीताल रोड के नाम से जानी जाती है। फिलहाल ये मेरे छोटे छोटे दोस्त यहाँ पे रोड पे बैठे हुए हैं, और ये तो मेरे को बिल्कुल पकड़ नहीं आ जाता है, बिल्कुल ये आ गया तो इस तरीके से सभी लोगों के साथ ऐसी दोस्ती बनाई हुई है। दोस्तों फिलहाल बर्मा जलपान ग्रह आप देख के आपको याद आ गई होगी मेरी पिछली वीडियो में, जब मैं आपको बर्मा जलपान ग्रह पे लाया था, क्योंकि ये जो एरिया है ये एरिया लगभग हर इंसान जानता है, क्योंकि यहाँ की चाय, यहाँ की पकौड़ी, और यहाँ की जो आलू के गुटके हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। और ये जो भाई साहब हमारे बैठे रहते हैं फरतियाल जी,
और ये हमारे मित्र हैं, और देख लीजिए आप अभी ये क्या प्रोसेस में लगे हुए हैं। अभी तो फ़िलहाल सुबह सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम में इतना ज़्यादा नहीं बना रहता है, बट फिर भी पकौड़ी और ब्रेड पकौड़ा अभी रेडी मिलेगा आपको, और साथ में चाय, और हमने भी ऑर्डर कर रखा है एक ब्रेड पकौड़ा और चाय, क्योंकि चाय पीने का मन कर रहा था, और चाय यहाँ की बहुत टेस्टी है। अगर आप पूरे नैनीताल घूम के आ जाएंगे लेकिन आप यहाँ की चाय नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों फ़िलहाल क्या है कि मैं आपको एक छोटा सा वाटरफॉल भी दिखा देता हूँ, जो हमारे शेर के मुँह से पानी निकलता है यहाँ पर, बिल्कुल नेचुरल वाटर है, और उसको दिखाने के लिए मैं आपको ले चल रहा हूँ। फिलहाल आप बने रहिए, देखते रहिए कि ये जो पानी है इसको भर करके लोग यहाँ से दिल्ली हरियाणा गुड़गांव की तरफ ले जाते हैं। मैं आपको उसी की तरफ ले चल रहा हूँ, धारे की तरफ। इसको बोला जाता है कि शेर के मुंह से पानी आता है। ये देखिए आप, ये जो झरना है ये आपको मिल जाएगा दोस्तों वर्मा जी की दुकान के पास में। चलो, और ये जो पानी है बिल्कुल साफ है, और दोस्तों फिलहाल आप देख सकते हैं मैं कैंची धाम पहुँच चुका हूँ, और कैंची धाम बाबा के दर्शन करने हैं, और दर्शन करने के बाद फिर मैं यहां से निकलूंगा हल्द्वानी को। फिलहाल आप यहां की नेचर ब्यूटी देख सकते हैं, और आज यहां पे काफ़ी चहल पहल है, काफ़ी भीड़ भी है, आपको दिख रहा होगा सामने, देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, और लगातार भक्तों की यहां पे भीड़ हो रही है, क्योंकि अभी जब से बारिश हुई है तब से लोगों का थोड़ा आवागमन कम हो गया था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ पर आज लोगों की संख्या कम है और तुरंत यहाँ पे संख्या बढ़ जाती है, जैसा आप आज देख सकते हैं लाइव में। आज से दो दिन पहले भी आया था यहाँ पे, तो मैंने देखा था यहाँ पे बिल्कुल भी इंसान नहीं थे, यहाँ पे कोई आदमी नहीं दिख रहा था, इक्का दुक्का आदमी आ रहा था दर्शन करके चले जा रहा था, वो भी लोकल का आदमी था, बट आज आप देखेंगे यहाँ पे लोकल का नहीं, टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा है, और लगातार आप तस्वीरों से देख सकते हैं कि पूरा जो वो पुल है, जो आपका शिप्रा नदी का जो पुल है, वो पूरा भरा पड़ा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। जय गुरुदेव, जय नीव करोरी महाराज की। और बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, देखते रहिए सती ट्रेवल्स को। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहाड़ की लाइव एक्टिविटी से आपको मैं रूबरू करा रहा हूँ, पहाड़ की हर एक चीज़ से, गतिविधि से। आप पहाड़ में कभी भी आएंगे तो आप अकेले पहाड़ को विजिट कर सकते हैं सिर्फ मेरे साथ दोस्तों। तो ये हैं हमारे मित्र, और मैं आ चुका हूँ अब हल्द्वानी टैक्सी स्टैंड भोटिया पड़ाव, और ये हमारे मित्र हैं, और थोड़ी देर बाद मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ की स्थिति कैसी चल रही है, कैसा काम है, कैसा रोज़गार चल रहा है, कितनी मंदी हो रही है या कितना अच्छा काम हो रहा है, ये सारी चीज़ों से आपको रूबरू कराएंगे। और आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। सती ट्रेवल्स को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। पहुंच चुका हूं फाइनली अपने रूम हल्द्वानी में, और अभी आज का ट्रिप आपको मैंने दिखाया, कैसा लगा आपको मेरा आज का सफ़र? अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में तुरंत। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सती ट्रेवल्स को, फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। तब तक के लिए बाय बाय।